इस टाइम पे अपनी सेविंग्स को कैसे कन्वीनियंस कर रहे हैं, हम कैसे खर्च कर रहे हैं, हमें पता है किचन कैसे चला रहे हैं। और इतनी महंगाई में कहाँ बच्चे पाल पाएंगे, कहाँ खिला पाएंगे। अब पहले 1 किलो खाते थे तो अब 250 ग्राम खा रहे हैं। टमाटर 150 रुपए किलो, गरीब आदमी क्या खाएगा। टमाटर तो आसमान छू रहे हैं, टमाटर से पनीर नहीं खाएगा। नमस्कार, मैं समाधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महंगाई है उसकी मार आम आदमी पर साफ तौर पर पड़ती हुई नजर आ रही है। सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सब्जियों के दाम बरेली की इन मंडियों में चल रहे हैं, उस बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एलन क्लब नगर निगम के सामने ये मंडी पड़ती है बरेली की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर सबसे सस्ती और सबसे ताज़ा सब्जी मिलती है। अब उन सब्जियों के रेट किस तरीके से एकाएक बढ़े हैं और लोगों के जो किचन का बजट है किस तरीके से बिगड़ा है, इस बारे में पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे साथ सब्जी विक्रेता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस समय जो रेट है उनमें तेज़ी आई है और क्या भाव पर इस समय जो सब्जियाँ हैं वो चल रही हैं। क्या रेट चल रहा है इस समय सब्जियों का? सब्जियों का बारिश की वजह से बहुत तेज़ी चल रही है इस समय, आंधी आ रही है तो तूफान की वजह से। क्या क्या शिमला टमाटर जैसे कि आपके हाथ में, टमाटर 120 से 150 रुपए तक हो गया है। बढ़िया टमाटर, हाँ बढ़िया टमाटर 150 रुपए चल रहा है। और ये टिंडे हैं, शिमला मिर्च, टिंडा शिमला, ये टिंडे तो मध्य हैं, 50 रुपए 60 रुपए चल रहा है। शिमला मिर्च कल 200 थी, आज 350-400 रुपए के आसपास है। धनिया क्या रेट चल रहा है? धनिया तो 300 रुपए के आसपास है। तुरई, आलू, प्याज, तुरई मध्य है, तुरई 60 रुपए किलो चल रही है। आलू वही रेट चल रहा है, आलू 80 रुपए का 5 किलो चल रहा है, नया वाला 120 का 5 किलो चल रहा है। प्याज के रेट देखे जाते थे एकदम तेजी पकड़ते थे, इस बार प्याज क्या भाव? इस बार नहीं पकड़ा है प्याज, तो मध्य है इस समय 130 रुपए का 5 किलो चल रहा है, 26 रुपए किलो के आसपास का है प्याज। हाँ, सबसे ज्यादा महंगी सब्जियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महंगी सब्जी कौन कौन सी है? शिमला मिर्च है, टमाटर है सब्जी में, और अदरक है, और अदरक है 260 रुपए किलो जी। अच्छा, ग्राहकों की बात की जाए तो ग्राहकों पे कितना असर पड़ रहा है कि मतलब कहाँ 2-2.5 किलो ले जाते थे, अब आधा किलो पावर इतना लेके जा रहा है। सब्जी लेने आप आई हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं, महंगी हो रही है सब्जी, कैसे मैनेज करती हैं किचन से? भैया सब्जी बहुत महंगी हो रही है, लौकी 80 रुपए किलो मिल रही है, गोभी 100 रुपए किलो मिल रही है, आलू भी, टमाटर के तो भाव इतने बढ़ गए हैं कि 150-150 रुपए पहुँच रहे हैं। इस टाइम पे अपनी सेविंग्स को कैसे कन्वीनियंस कर रहे हैं, हम कैसे खर्च कर रहे हैं, हमें पता है किचन कैसे चला रहे हैं। इतनी महंगाई में बहुत भारी पड़ रहा है हमें किचन चलाना। पहले कितनी सब्जी एक आम तौर पर खरीदते थे, अब कितना कम? पहले हम 800-700 रुपए में इतनी सारी सब्जी ले जाते थे कि हमारी 2-3 हफ्ते चल जाती थी, लेकिन अब 800 रुपए में हमें 4-5 सब्जियां आती है जो एक हफ्ते भी मुश्किल 3-4 दिन चलती है और बाकी खत्म हो जाती है बहुत जल्दी। सब्जी इतनी महंगाई है, क्या करें, रोज के खाने कमाने वाले, और इतनी महंगाई में कहाँ बच्चे पाल पाएंगे, कहाँ खिला पाएंगे। पहले कितनी सब्जी ले जाती थी? पहले पूरा भर भर के ले जाते हैं, हफ्ता हफ्ता भर की सब्जी, अब तो 2 दिन का महंगा हुआ है, तो कैसे उसको कर रही हैं? अब मेहनत यही कर रहे हैं, कम ले जाते हैं, कम खाते हैं, वैसे कम खाते हैं, और महंगाई इतना कर रखा है, ज़्यादा महंगाई है। तो किस तरीके से बजट को मैनेज कर रहे हैं कि पहले कितनी सब्जी लेती थी, अब कितनी सब्जी? अब पहले 1 किलो खाते थे तो अब 250 ग्राम खा रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं। भाई वही महंगाई है, महंगी हो गई सब्जियाँ, टमाटर तो आसमान छू रहे हैं, ये सड़िया टमाटर से पनीर नहीं खाएगा। ये है टमाटर तो 140-150 रुपये किलो टमाटर है भाई। ये इससे पहले मैं लेकर गया सब्जी इतनी सही थी, बारिश हुई थी, बारिश के नाम पे इतने महंगाई हो गई। इस बार जैसे कुछ सब्जियां मंडी में नजर आ रही महंगी है, सस्ती सब्जियों के भी दाम गिना दी, कौन कौन सी सस्ती है जिनके भाव? भैया खीरा 20 रुपए किलो है, टिंडा 30 से लेकर 40 तक है, और भैया 30 रुपए किलो बिक रही है। आलू 12 रुपए किलो है, आलू 12 रुपए किलो बिक रही है। नीबू 30 रुपए किलो बिक रही है। पहले नींबू के रेट बहुत एकदम से हो गए थे बीच में, उस समय पैदावार कम थी, बारिश से पैदावार बढ़ जाती है नींबू, तो नींबू डाउन हो गया है, नींबू डाउन हो गया 30 रुपए किलो। बछड़े क्या रेट चल रहे हैं? बछड़े साहब पानी की वजह से महंगे मध्य रहते हैं। क्या भाव है इस समय? इस टाइम 60 रुपए किलो भाव है। बरसात में आधे से ज्यादा सड़ जाता है, बचता है नहीं, इस वजह से जो बचता है उसी में क्वेश्चन करते हैं। अब 100 में 25% रह जाता है, समझ लो माल, आप ऐसा समझ लीजिए, आप बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, माल ही समझ लो माल ना के बराबर है मार्केट में, जहाँ से आ रहा है वहाँ भी कम है, और जो पैसे तो है ही कम जो है बरसात की वजह। सामान्य दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ इस समय देखी जाती थी, हाँ ताज़ी सब्जी जैसी आती थी भीड़ जुटती थी, अब हाँ सही बात जो है एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। महंगाई यही वजह है बस, बरसात पानी पड़ लिया है, माल शॉर्ट है, माल जब माल होगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा बताइए।
अब हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर सबसे बड़ी थोक की मंडी है बरेली जिले की डेला पीर मंडी। यहाँ पर बाहर से जो किसान हैं बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से यहाँ पर सब्जी लेके पहुँचते हैं, और यहाँ पर सब्जी के क्या रेट हैं और क्या वो वजह हैं जिनकी वजह से यहाँ सब्जी महंगी पहुँच रही है या फिर महंगी मिल रही है, और लगातार जो महंगाई है वो सब्जी की चरम पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। शिमला लेने आए थे आप, मंडी में नहीं मिली, क्या कहेंगे? शिमला मिली नहीं रही, भाव की तो ऐसी भाव तो किसी भाव के मिले तो आदमी मिले तो माल तो मिले, माल ही नहीं मिल पा रहा है, माल नहीं मिल पा रहे हैं। 200 रुपये 300 रुपये किसी भाव के मिले, मैं मिल नहीं रही है। है नहीं, शिमला गायब है। कल तो थी 250 नहीं, इस चक्कर में महंगी बहुत है सब्जी। टमाटर 150 रुपये किलो, गरीब आदमी क्या खाएगा? कहाँ टमाटर 10 रुपये 15 रुपये किलो बिका था, आज 150 रुपये किलो बिक रहा है। हरा धनिया 300 रुपये, जो फ्री भाव कोई नहीं लेता है। महंगाई इतनी कर रखी है, बेहिसाब की महंगाई है। आड़त है मेरी 47 नंबर। किस तरीके से देख रहे हैं जो सब्जी के एकदम सब्जी के सर भाव बढ़ रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने नेट पे सर्च करा था तो प्रोडक्शन जो है, जो सरकार ने जो बाहर सप्ली सब्जी ज़्यादा सप्लाई कर दी है, उनको इस बात की खपत नहीं थी कि इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। सप्लाई उन्होंने ज़्यादा कर दी है, यहाँ पे खपत कम रह गई है, इस वजह से सब्जी महंगी हो गई है। एक वजह तो ये है, ऊपर से बारिशों की वजह से जो है काफ़ी मार पड़ी है, इस वजह से भी महंगी का दूसरा ये रीज़न, दो रीज़न तो यही है।